जैसे ही आप फिंगर सेंसर पे फिंगर को टच करते हैं वैसे ही हमारा मोबाइल अनलॉक हो जाता है। दोस्तों हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप रेडमी नोट 11 आई मोबाइल में दोस्तों आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे अपने मोबाइल में। दोस्तों आप अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं, डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं दोस्तों, उसको कैसे सेट करेंगे। दोस्तों आपको करना क्या, सबसे पहले आपके मोबाइल में जो भी लॉक रहता है दोस्तों उसको पहले रिमूव करेंगे, यानी कि दोस्तों हटाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पैटर्न लॉक हटाने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है, और जैसे ही सेटिंग को ओपन करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाता है। अब दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे स्क्रीन लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको स्क्रीन लॉक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो पैटर्न आपने बनाया वो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। और जैसे ही ड्रॉ करते हैं दोस्तों यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाता है टर्न ऑफ स्क्रीन लॉक का ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ से टर्न ऑफ का ऑप्शन कुछ नोटिस पढ़ लेना है। उसके बाद में यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही ओके करते हैं दोस्तों आपका सक्सेसफुली आपका स्क्रीन लॉक दोस्तों रिमूव हो जाएगा, यानी कि दोस्तों हट जाएगा। दोस्तों अब आपको करना क्या है, आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको अपने मोबाइल में एक थीम्स रहती है, जो दोस्तों आपके मोबाइल में थीम्स एप्लीकेशन नाम से रहता है। दोस्तों आपको थीम्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब जैसे ही इसको ओपन करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे थीम्स का नीचे ऑप्शन देखने को मिला, आपको थीम्स पे टाइप करना है। जैसे ही टाइप करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बार में यहाँ पे सर्च कर लेना है, सर्च बार में आपको सर्च करना है। दोस्तों यहाँ पे लिखना है आपको न्यू एक्सी दोस्तों इरा लिखना है। जैसे ही ये लिख देंगे वैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करते हैं दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एक थीम्स देखने को मिल जाती है दोस्तों रेड कलर में, जो कि आप दोस्तों उसको यहाँ से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ से आपको सक्सेसफुली इसको अप्लाई कर देंगे। या दोस्तों बहुत सारे लोगों ने देख सकते हैं यहाँ पे 6.61 मिलियन लोगों ने इसको दोस्तों यूज कर चुके हैं। दोस्तों अब आपको करना क्या, यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। जैसे ही अप्लाई करते हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डाउनलोडिंग जैसा हो रहा है और यहाँ से सक्सेसफुली ये अप्लाई हो जाती है। दोस्तों अब आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं कि हमारे मोबाइल में डिस्प्ले में फिंगर सेंसर या फिंगरप्रिंट लॉक सेट हुआ है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले में फिंगर सेंसर भी आ चुका है। आप दोस्तों इसको यहाँ से कैसे देख सकते हैं, स्लाइड करो या कुछ भी करते दोस्तों हमारा मोबाइल अनलॉक नहीं होता है। अब दोस्तों हम फिंगर सेंसर पर जैसे ही फिंगर को टच करेंगे वैसे ही हमारा मोबाइल अनलॉक हो जाता है। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे ही फिंगर सेंसर पर फिंगर को टच किया वैसे ही मोबाइल अनलॉक हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर पाएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो से जानकारी मिली हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।